अबे सो गए कह रहे? अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाग के क्या करूं? देखो लुका पट्टा, एक तो टांग पर टांग डाला, ऊपर से हिला भी रहा है। ये मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे। आपको नहीं मालूम ये गाँव वाले किस बुरी तरह से हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ लाइन लगी, दुश्मनों की नगरी कितनी आबाद है, मेरी दुकान कब्रिस्तान की तरह बर्बाद है। अबे देख वो दुकान देख, वो देख कितनी भीड़ है। अपनी दुकान में तो महीने भर में भी इतने लोग जमा नहीं हुए जितने वहाँ पर जमा हुए। ओह क्या मेला लगा है, लगता है दूसरे गांव के लोग भी वहाँ पर आ गए। क्यों ना हो भाई, जब असली चीज हो सस्ती हो तो भीड़ तो लगेगी ही। और पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़िया चुग गई खेत। नमक हराम, मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक की बर्बादी पे गाना गाया जाता है। आहे का मालिक, धंधा तो चल नहीं रहा, हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मक्खियां तक नहीं है और मालिक पने की धौस से मारे हो। अरे तुम्हारे ग्राहक मेरी हिलती हुई टांग देखकर भाग गए कि तुम्हारी मिलावट देखकर? हाँ बेटा बोल ले, जब आदमी का वक्त बुरा होता तो मरे हुए कुत्ते से डर लगता है, तू तो फिर भी जिंदा कुत्ता है। अभी देख वो आदमी, देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है। आज कोई फंसा, बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा। उठ 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 उठ, स्वागत है, खुशामदीद, भले पधारो, आ जाओ मेरे बाप, दुकान पर आइए, दुकान पर मत जाइए। अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए, हम दोनों ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये देखो पेट खाली है। माचिस 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 बीड़ी जलाना है। हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है। इमली 2 रुपया, मूंग की दाल 3 रुपया, तुअर की दाल 1.5 रुपया, गेहूं सस्ता, गुड़ और मुफ्त में। ये भी रख लो, पैसे बाद में, कोई जरूरी नहीं, जल्दी नहीं जल्दी नहीं, पैसे बाद में, कुछ कुछ भी ले लो, उधार भी मिलेगा। अरे छोले, अबे कुछ तो ले जा। ये आया मांगा, जलाया, फूका और चल दिया हरामखोर। अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी। और सुनिए सेठ जी, ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना, इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है। अच्छा ये बताइए, ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है? अबे तू चुप करे तो मार मार के तेरा मुंह चटा की तरह चपटा कर दूंगा। देखो सेठ, मुंह संभाल कर बात करो, पगार तो देते नहीं हो, धोस देते हो। अरे आज तुम सेठ हो मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो, उसके बाद नौकर बन जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और सहकारी दुकान वाले, तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना, मैं आया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो चाक लिया, चाक लिया। अरे बैठो मालिक बैठो, नाराज हो गए क्या? लो क्या ललिता, हे भगवान, ललिता और वो हरामजादा, सुनते हो जी? अरे हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। अरे जीजा जी, आप सिर्फ बहरे नहीं गूंगे भी है, बुजदिल है, डरपोक है, यानी कि बिल्कुल नकम्मे हैं आप। खामोश, मैं मार खाए आदमी से गालियां नहीं सुन सकता। अरे गालियां क्या, अब तो तुम्हारे भी पिटने के दिन आ गए हैं जीजा जी। उन सब वक्तों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा डाली, आपकी दुकान बंद करवा दी, अब वही नीच रवि आपकी बेटी ललिता को प्रेम के जाल में फंसा रहा है, ताकि अपनी बची हुई इज्जत का यानी के यानी के यानी के जनाजा निकल जाए। कितना यानी के जनाजा निकल जाए। तुम हंस रहे हो और हम सब गुस्से में जल के कोयला हो रहे हैं। तुम कोयले की तरह जलती रहो और मैं उस कोयले पर अपनी चक्कर का खाना पकाऊंगा, और ऐसा खाना पकाऊंगा कि जो कोई खाएगा वो चकरा के गिर जाएगा। मेवालाल आया बापू, आया आया आया। तू मेरा सच्चा वफादार नौकर है, क्या खुशखबरी लाया है, इसी बात पे 100 रुपया इनाम। आप और इनाम? या तो आप पागल हो गए या फिर ये वो नहीं है, कोई दूसरा आदमी है, या फिर ये पैसे नकली है। असली है। और सुन, अगर तूने मेरी इन खूबसूरत बैल जैसी आंखों को वो दृश्य दिखा दिया तो मैं चूम चूम के तेरा मुंह गीला कर दूंगा। नहीं। और 2.5 रुपए इनाम में भी दूंगा। 2.5 रुपए? जा ऐश कर। 54, 256, 260, 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 260
शर्म नहीं आ रही तुमको? ये मिठाई में क्या चक्कर चला रही हो? अरे आजकल अपनी दुकान बंद है ना, ये सारी चीजें असली घी की बनी हुई है, ये सारी घर ले जाऊंगी और चखूंगी और बाद में बताऊंगी कि कौन सी मिठाई का क्या दाम है। अरे कुछ विचार कर बेशर्मी के आचार, अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? 135। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? अरे मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, उसके कान में दो अकलमंदी के शब्द टपका दूं कि नहीं? तो जो कोई टपकाना जल्दी से टपका ले, अगर कोई और आके टपक गया तो ऐसे फटकेगा कि फट जाएगी गोनी की तरह। बेटी ने क्या कस कस के जूते मारे हैं, शक्ल जूते जैसी हो गई है। अब कलेजे में ठंडक पड़ गई या कोई और चक्कर चलाना बाकी? देखो जी मेरा दिमाग खराब है, मेरे मुंह ना लगना।
सेठ जी बुरा न मानिएगा, ये आप ही की बेटी है या क्या बंदर लेखा, ये सचमुच मेरी बेटी है या कोई चक्कर? कुछ भी ले जा, ये भी ले जा। आए आए मेरी मोहब्बत की फूलमती, ये अचानक तेरे बालों को क्या हो गया? ये खड़े खड़े और छोटे छोटे कैसे हो गए? याद करो पिछली बार अपनी दुकान से चुरा कर उस कंजूस सेठ की नजरों से बचाकर मैंने तुमको खुशबूदार तेल दिया था, क्या वो तुमने सिर पर नहीं लगाया है? और अचानक तेरे शरीर से बदबू कैसी आ रही, क्या मेरे मालिक से गले मिलकर आ रही है? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ वो साला नहाया ही नहीं। कंजूस मालिक के बदन की बदबू आ रही है? मैं जब से पैदा हुआ तब से नहाया नहीं हूँ। हराम खोर, मेरे दुकान का माल अपने बाप का माल समझ के उस धूलमती की थैली में डाला था। आज मैं तुझे चूहे मारने का पाउडर खिला के रहूंगा। चल भाई राजेश शुरू हो जा। अरे सुनो, कुछ सुना आपने? अरे क्या है बंदर लेखा, क्यों फटी जा रही हो? पहले सांस ले लो फिर बताओ क्या चक्कर है। मैं खुशखबरी लाई हूँ। तुम और खुशखबरी? मैं नहीं मानता। अंधेरा कहे कि मैं उजाला लाया हूँ तो मैं मान सकता हूँ, मगर तुम कहो कि मैं खुशखबरी लाई हूँ मैं नहीं मान सकता, है कि नहीं? अरे बाबा तुम्हारी कसम खुशखबरी है, पहले मुंह तो मिटा करो। हाँ अब सुनो, तुम नाना बनने वाले हो, मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे ललिता गर्भ से है। ठीक है, मुझे खुशी हुई सुनकर, बहुत खुश हुआ। लेकिन पहले बताओ ये शक्ल जो तुमने मेरे मुंह में घुसेड़ी है, ये असली है या अपनी दुकान की मिलावट वाली है? अरे बिल्कुल असली है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी है। क्या? वो बांझ भी माँ बनने वाली है। तो बनने दो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? अरे कैसी बातें करते हो तुम, हमारी बेटी के घर के बीच वो बांझ कैसे माँ बन सकती है? अभी पूछ के बताता हूँ। हे भगवान, हे विष्णु, हे महेश, अरे गणेश, अरे क्यों मेरी बेटी का सत्यानाश कर रहे हो भाई? ये ममता के मैदान में क्यों मिलावट कर रहे हो? उसको माँ बनाने की क्या जरूरत थी, वो भी उस वक्त जब मेरी बेटी माँ बनने वाली है। ए चक्करधारी, ये कैसा चक्कर चला रहे हो भाई? अब सबसे पहले हमें अपनी बेटी को अपने घर बुलाना होगा। मैं नहीं चाहती कि ललिता उस मनुष्य घर में उस मनुष्य औरत के मनुष्य साए में रहकर अपने पहले बच्चे को जन्म दे। ये तुम ठीक चक्कर चला रही हो, चलाओ। नमस्कार, आइए आइए। आइए भाई, ये कुछ नहीं, सुना हमारी बेटी माँ बनने वाली, उसे बुलाइए। हमारी बेटी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, हम चाहते हैं हमारे घर में जन्म दे, रात होने से पहले हम उसे ले जाना चाहते हैं। क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। अजी उठो, हर जगह घुसती है। मैंने आपकी बात ललिता से कही, लेकिन उसकी इच्छा यही रहने की है। अरे उसकी इच्छा से क्या होता है, वो तो अभी नादान बच्ची है। देखो जी, मैं साफ कह देती हूँ, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में यहाँ अकेले छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बंदर लेखा, मैं जहाँ भूलता जाऊँ मेरे को याद दिलाते। अच्छा। जाना। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे अंतर्यामी, तू तो जानता है मैंने दौलत की लालच में अपनी बेटी को विजय चौधरी के घर में ब्याह था। अब वो माँ बनने वाली है, उसकी कोख से बच्चा पैदा होने वाला है। मैंने सारी जिंदगी मिलावट की, तू उसकी कोख में मिलावट मत कर देना। मैं तो कहता हूँ भगवान, उसकी कोख से तू ही जन्म ले लेना, और अगर तूने जन्म लिया तो मैं 1,00,000 का हार बनाकर हीरों का तुझको चढ़ाऊंगा। ये क्या कर रहे हो, भगवान से मन्नत मांग रहे हो तो वो पूरी करनी पड़ेगी। 1,00,000 रुपया अगर भगवान पर चढ़ाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? 10-5 पैसे की मांग लो। क्या बेवकूफी की सहेली, कंकर वाले चावल की थैली, भगवान से जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी नहीं की जाती, बल्कि पूरी होने तक ऐसे कहना पड़ता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मुकर जाया जाता है। ये बेईमानी मैंने तेरे बाप से सीखी थी। हाँ ऐसी बात है, तो 2,00,000 की मन्नत मांगो, मांगो मांगो मांगो। 2,00,000? बोलो ना। अच्छा भगवान, 1,00,000 का कैंसिल, 2,00,000 का हार चढ़ाऊंगा, मेरा विश्वास करो, इस विश्वास में मिलावट का कोई चक्कर नहीं है। हाँ नहीं। अरे अरे ये गधे की लाश, हट। अरे हट, अरे क्या हो रहा है? अरे हट, मेरे को क्यों मारा ये? गधे को, इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है।
मक्खी जूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। सड़ा हुआ कद्दू, मुझे बीवी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना था। मारो तुम्हारे ने, उसे क्यों मार रहे हो? अरे अरे, उसे भागने क्यों दिया? हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था, भागने क्यों दिया? पटक पटक के मारना था, वो 50 किलो का आदमी है, को खाली थैली नहीं है जो पटक पटक के मारता। और तुमने मुझे दम छोड़ा कहा जो पटक के मारता? खाली रुमाल उठाता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। अच्छा ये सुना, बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबाओ ना। क्या मैं दबाऊँ? शर्म नहीं आती? देखा नहीं मेवाला अपने माशुका के कैसे पैर दबा रहा था। चलो हटो। हाँ चलो शुरू हो जाओ। लाना था हम जैसे मर्दों पर टीवी के पर। जीजा जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ, मैं इसके पैर की रेखा देकर इसकी तकदीर बता रहा था।